नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। कमोडिटी बाजार के प्राइस सेक्शन पर तो नजर रहेंगी ही, लेकिन साथ ही बात करेंगे धान की, क्योंकि धान किसानों की झोली भरी है। किस तरीके के प्रोक्योरमेंट नंबर सामने आ रहे हैं, सरकार के जो धान बिक्री की प्रक्रिया है उसको कैसा रिस्पॉन्स मिला है, इस पर करेंगे फोकस। साथ ही चर्चा ये भी करेंगे कि किस तरीके की प्राइसिंग आगे जाते हुए रह सकती है, या पॉलिसी में कुछ बदलाव हो सकता है या फिर नहीं। बात करेंगे स्पाइसेस की भी, मसालों में गिरावट का दौर जारी है, क्या ये खरीदारी का मौका है या पर यहाँ पर और प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी, इस पर भी करेंगे बातचीत। बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर हमने वापस से कच्चे तेल में रिकवरी आते हुए देखी है, और कच्चे तेल के प्राइसेस में जो स्ट्रेंथ बनी है वो कितनी टिकाऊ है, यहां से नई रेंज क्या रह सकती है, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट सिराज हुसैन, कुंवरजी ग्रुप के डायरेक्टर रवि दियोराल, साथ ही निर्मल बैंक कमोडिटीज के वीपी कुणाल शाह हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। लेकिन शुरुआत करेंगे धान की खबर के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और खबर ये है कि केंद्र सरकार की जो धान खरीद की प्रक्रिया है वो जारी है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से हमने ये खरीद जारी होते हुए देखी है, और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लक्ष्य सरकार ने रखा था खरीदारी का, उस लक्ष्य से सिर्फ 5% पीछे ही सरकार अब है। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आते हुए दिखाई दिया है, और सिर्फ जनवरी के अंदर ही 20% धान की खरीदारी बढ़ी है। सिराज हुसैन हमारे साथ बने हुए हैं, जो इन सब आस्पेक्ट्स को बखूबी समझते हैं। सिराज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो अगर हम पिछले साल देखें तो सरकार की धान खरीद को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, टारगेट भी मीट नहीं कर पाए थे, और इस बार तो जनवरी में इतनी अच्छी बाइंग धान की खरीदारी हुई है, प्लस लक्ष्य से भी सिर्फ 5% पीछे ही है सरकार, क्या वजह आप देखते हैं इस तरीके के नंबर सामने आते हुए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पिछले साल भी जो राइस का प्रोक्योरमेंट था वो बहुत अच्छा था, और 568 लाख टन यानी के करीब 57 मिलियन टन राइस प्रोक्योर हुआ था। तो ये हम कह सकते हैं कि पिछले साल भी खराब था मानसून बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी बंगाल में, लेकिन अच्छा प्रोक्योरमेंट हुआ था। इस साल भी अगर हम देखें तो अब तक 420 लाख टन राइस का प्रोक्योरमेंट हो चुका है, और मैं कहूंगा कि ये अच्छा प्रोक्योरमेंट है। ऐसा लगता है कि हम 550 लाख टन या 55 मिलियन टन के आसपास प्रोक्योरमेंट कर लेंगे, तो ये क्रेडिटेबल है। और इसका बहुत कुछ क्रेडिट इस बात को जाता है कि नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर पाबंदी है, तो उसकी वजह से जाहिर है कि वो प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट एजेंसीज कर रही हैं। ओके, अच्छा, अगर हम ओवरऑल राइस प्रोडक्शन की इस बार की स्थिति देखें तो किस तरीके के ओवरऑल आप प्रोडक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इनफैक्ट सरकार ने लगातार, जैसे आपने भी मेंशन किया, एक्सपोर्ट्स को बैन किया है, कदम लगातार उठाए हैं कि अवेलेबिलिटी को लेकर कोई दिक्कत ना हो, प्राइसेस सर्ज ना हो, इस पर कीनली वॉच, फूड कमोडिटीज पर सरकार वॉच कर ही रही है। लेकिन ओवरऑल अगर हम प्रोडक्शन नंबर्स देखें तो क्या वो कम्फर्टेबल दिखाई दे रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट का जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आया था उसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि 7% पिछले साल से कम राइस का प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड है। तो अब जब सेकेंड एडवांस एस्टिमेट गवर्नमेंट जारी करेगी तब इसका बेहतर अंदाजा होगा। लेकिन एक बहुत अच्छा मेजर ये भी होता है प्रोडक्शन को असेस करने का कि मार्केट में इन्फ्लेशन कितना है। तो हमने ये देखा है कि सारी कोशिशों के बावजूद राइस में इन्फ्लेशन डबल डिजिट में चल रहा है। तो उस डबल डिजिट में इन्फ्लेशन चलने से ऐसा लगता है कि ट्रेड शायद ये समझती है कि राइस का प्रोडक्शन उतना नहीं है जितना गवर्नमेंट कह रही है। हाँ, अनुमान तो जो पहले आए हैं वो इस तरीके के ही आए हैं कि पिछले साल के मुकाबले कुछ रिपोर्ट्स थी 2 टन कम रह सकता है, इस तरीके की रिपोर्ट सामने आई थी। लेकिन अगर हम सरकार की पॉलिसीज़ की बात करें तो काफ़ी सारी पॉलिसीज़ या रेगुलेशन सरकार ने राइस प्राइसेस को लेते हुए उठाई हैं, और जिसका इम्पैक्ट हम अभी तक देख रहे हैं। क्या आपको लगता है आगे भी सरकार के ये सभी मेजर्स जारी रहेंगे ताकि प्राइसेस सर्ज ना हो, और कैसे देख रहे हैं प्राइसेस यहां से गोइंग फॉरवर्ड राइस के? हमें ये लगता है कि सरकार ये वॉच करेगी कि इस साल मानसून का क्या इम्पैक्ट होता है। अगर मानसून नॉर्मल होता है और गवर्नमेंट का असेसमेंट ये है कि प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट धीरे धीरे इन रिस्ट्रिक्शंस को ईज करे, जो गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है उस ड्यूटी को कम करें, तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। लेकिन अभी जब तक मानसून पूरी तरह से स्पैन आउट नहीं होता है, यानी कि सितंबर तक, तब तक हमें नहीं लगता कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पर जो मौजूदा रेस्ट्रिक्शंस हैं उनमें कोई रिलैक्सेशन देगी। लेकिन अगर हम की स्टेट्स की बात करें सिराज जी, तो पिछले साल 135 मिलियन टन का राइस का उत्पादन हुआ था,
लेकिन अगर इस साल की बात करें, जैसे हमने शुरुआत में भी कहा, तो मल्टीपल एस्टिमेट्स हमारे सामने आए हैं। जितने भी सदर्न स्टेट्स हैं जो कि मेजर राइस प्रोड्यूसिंग कंज्यूमिंग स्टेट्स हैं, वहां पर हमने पैडी के प्रोडक्शन में ऑलरेडी ड्रॉप देखा है इनएडिक्वेट रेनफॉल की वजह से। अगर हम तमिलनाडु की बात करें या कर्नाटका की बात करें, तो जो रिपोर्ट्स है 20-30% ड्रॉप रह सकता है। आपको लगता है इस तरीके के नंबर्स आ सकते हैं सामने इसी तरीके के? ये जो सदर्न स्टेट्स हैं, इनमें काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां मानसून बहुत डेफिशिएंट रहा है, तो जाहिर है कि इन स्टेट्स में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि प्रोडक्शन में डाउनफॉल होगा। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट का ओवरऑल प्रोक्योरमेंट बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है कि 55 मिलियन टन तो गवर्नमेंट प्रोक्योर कर लेगी, तो इसलिए कुछ वजह नहीं है कि राइस में इतना हाई इन्फ्लेशन हो। अच्छा सिराजी, कल खबर आई थी वीट को लेकर, जहां पर स्टॉक डिक्लेरेशन को लेकर सरकार ने जो लिमिट है उसको घटाया है, 500 मेट्रिक टन के आसपास कर दी है। राइस के लिए भी सभी ट्रेडर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स या फिर मिलर्स के लिए भी स्टॉक डिक्लेरेशन सरकार ने मैंडेटरी किया हुआ है। भारत राइस ऑलरेडी लॉन्च किया सरकार ने ताकि प्राइसेस नीचे रहें। आप दो चीज़ें यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे, एक तो ये कि अगर प्रोडक्शन को लेकर या ओवरऑल अवेलेबिलिटी को लेकर थोड़ी भी चिंता बनती है, तो थोड़ी क्या और स्ट्रिक्टर पॉलिसीज हो सकती हैं? क्या यहाँ भी स्टॉक डिक्लेरेशन लिमिट को लेकर फर्दर लिमिट घटाई जा सकती है? इस तरीके के कदम सरकार क्या उठा सकती है? प्लस जो ये भारत राइस इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, कितना असर इसका प्राइसेस को कंट्रोल करने में आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है? देखिए, इसके बारे में हमने लिखा भी है, ये जो भारत राइस या भारत वीट का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये गवर्नमेंट मदर डेयरी के बूथ से या कुछ कंज्यूमर स्टोर्स हैं उनके माध्यम से करती है, पीडीएस के माध्यम से इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो इसकी रीच बहुत लिमिटेड है। और हमने पहले भी ये कहा है कि अगर सचमुच इस तरह की इंटरवेंशन गवर्नमेंट समझती है कि करना चाहिए, तो फिर उनको गरीब स्टेट्स में करना चाहिए, ना कि दिल्ली में जहां इंडिया का हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा, लेकिन इसकी एक बहरहाल पब्लिसिटी की वैल्यू है, और अगर लोगों तक, गरीब लोगों तक, गरीबों के इलाके में ट्रक्स जाके खड़े हों और वहां पर ये भारत आटा और भारत दाल और भारत चावल उपलब्ध कराया जाए, तो कुछ चंद लोगों को इसका फायदा हो सकता है। लेकिन क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत लिमिटेड है और इसकी रीच बहुत लिमिटेड है, तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। अब देखिए, गेहूं के केस में तो काफी गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाई है, और जो प्रोसेसर्स हैं, अगर आप ये देखें तो प्रोसेसर्स के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये हैं कि वो 30 अप्रैल तक गेहूं नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि उनके लिए स्टॉक लिमिट इतनी कम है कि वो गेहूं प्रोक्योर नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि कम से कम 35 मिलियन टन गेहूं गवर्नमेंट एजेंसीज प्रोक्योर करें, तो उसकी उसको हासिल करने के लिए गवर्नमेंट ने इतनी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, एक तरह से बड़े प्राइवेट सेक्टर को वीट परचेस से बाहर करने की कोशिश की गई। ओके, अच्छा वीट को लेकर आपकी राय क्या है? फर्क पड़ेगा प्राइसेस फर्दर कंट्रोल होने में जो ये स्टॉक लिमिट सरकार ने कम की है, और क्या आपको लग रहा है कि इसके पीछे सरकार की क्या वजह हो सकती है? क्या आपको लगता है, क्या कहीं ना कहीं आशंका है कि होर्डिंग हो रही है इसलिए ये स्टॉक लिमिट घटाई गई है? देखिए, वीट की क्रॉप अभी तक बहुत अच्छी है। मैंने अभी एक दो दिन पहले दिल्ली से हम लखनऊ आए हैं ट्रेन से, तो हमने देखा बहुत अच्छी फसल उत्तर प्रदेश के इस इलाके में दिख रही है। अभी तक काफी सर्दी का भी मौसम रहा है, टेम्परेचर कम रहा है, तो अभी तक बहुत अच्छी कंडीशन है वीट क्रॉप की, मैं कह सकता हूँ कि ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में। अब से लेके और मार्च के एंड तक अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता नहीं है, जैसा कि हमने देखा था 2022 में फरवरी में ही बहुत बढ़ गया था टेम्परेचर, और 2023 में बारिश हो गई थी, तो अगर वो नहीं होता है तो वीट की बहुत अच्छा प्रोडक्शन हम देखेंगे, और हो सकता है ये रिस्ट्रिक्शंस तब ईज हो जाएं। ओके, चलिए, शुक्रिया सिराज जी आने के लिए शो में, और वीट राइस दोनों पर ही कमेंट करने के लिए, जो सरकार कदम उठा रही है उस पर भी अपनी राय रखने के लिए। तो पॉलिसी सरकार की क्या रहेंगी वो आगे जाते हुए पता लगेगा, डिपेंड करेगा किस तरीके के ओवरऑल प्रोडक्शन नंबर्स राइस के टर्नआउट होते हुए दिखाई देते हैं। ऑल दो चिंताएं तो अनइवन रेनफॉल की वजह से हमें जो की प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वहाँ पर इमर्ज होते हुए देखी हैं ही। हमारे साथ रवि द्योरा भी हैं, कुणाल शाह भी हैं। रवि, आपकी राय क्या है राइस और वीट दोनों पर ही प्राइस पर्सपेक्टिव से?
बेसिकली दोनों काफी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर आते हैं, तो पर्टिकुलर इलेक्शन का या है तो गवर्नमेंट का पॉलिसी मेजर्स ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था। इंडस्ट्री एज वेल एज एक्सपर्ट सारे इस साल एक्सपेक्ट कर रहे थे, और पर्टिकुलर वीट में ज्यादा थोड़ा फोकस गवर्नमेंट का है, क्योंकि वहां पे देखे तो जैसे सुगर में प्राइसेस कंट्रोल है, मीन्स के 100 रुपये ऊपर नीचे, वैसे ही कंट्रोल अभी वीट में है। वीट में भी कोई प्राइसेस में इतना ज्यादा चेंजेस नहीं दिख रहा है। आई थिंक वहां पे मुझे लग रहा है कि एक 2500 एक बॉटम रहेगा, इसके नीचे प्राइसेस सस्टेन नहीं होने चाहिए। अपर साइड 2700 तो ये ब्रॉड रेंज में रहेगा, हालांकि अभी बॉटम के करीब है, तो आई थिंक यहाँ से ज्यादा कोई गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं है। पर्टिकुलर गवर्नमेंट जितना भी प्रोक्योर करेगी, लाइक आगे बात हो रही थी 35 मिलियन टन, तो आई थिंक एक काफी बड़ा साइज है, और अगर इतना प्रोक्योर कर पाते तो मेरे हिसाब से प्राइसेस 2500 के ऊपर सस्टेन रहेंगे। राइस में भी देखे तो कंटिन्यूअसली पेड़ी के प्राइसेस हायर लेवल पे रहे, हालांकि जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है इससे थोड़े बहुत प्राइसेस स्पोर्ट में नीचे आए हैं। वेराइटी वाइज बात करें तो एवरेज प्राइसेस में ऑलरेडी 5 to 10% की गिरावट या डिसन के बाद आ चुके हैं। पेड़ी के भी प्राइसेस की बात करें तो वहां भी 4500 से 4200-4300 के लेवल आ चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से और करेक्शन की प्रोबेबिलिटी नहीं है। पर्टिकुलर राइस में जो फैक्टर है वो फैक्टर बायो फ्यूल का भी है, जो ब्रोकन राइस में गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट बैन किया, इससे मुझे लग रहा है कि जो हमारे सुगर पे डिपेंडेंसी थी वो कम होगी, और ब्रोकन राइस से जो बायो फ्यूल है इसकी डिमांड कंटिन्यूअस बनी है, तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में बहुत गिरावट की यहाँ से एक्सपेक्टेशन सेटलिस्ट नहीं करनी चाहिए। थोड़े कंट्रोल रहेगा टिल इलेक्शन, बट यस ऑन पॉजिटिव नोट में प्राइसेस रह सकते हैं। ओके चलिए, ये तो बात हुई प्राइसेस की, राइस और वीट दोनों की, लेकिन आगे स्ट्रैटेजीज की ओर अब रुख कर लेते हैं। बात सबसे पहले कर लेते हैं स्पाइसेस की, जहां पर वापस कमजोरी आज के सेशन में देखने को मिली है। ऑल्दो टर्मरिक में हमने लगातार डिप्स पर बाइंग का सपोर्ट आते हुए देखा है, और कल हमारी बातचीत हो भी रही थी कुछ एक्सपर्ट से, जिनका मानना यह है कि अगले 1 से 2 महीने में भले ही प्राइसेस स्टेबल रहे, लेकिन उसके बाद जो चाल रह सकती है टर्मरिक की, वो तेजी की तरफ ही हो सकती है, क्योंकि काफ़ी सारी वजह है, चाहे वो ओवरऑल प्रोडक्शन के एस्टिमेट से क्यों ना हो। कुणाल शाह भी हमारे साथ बने हुए हैं। कुणाल शाह, आपको स्पाइसेस एज अ पैक कैसा लग रहा है, और स्पेशली टर्मरिक पर क्या राय है? आई थिंक स्पाइसेस में अभी फिलहाल कोई बड़ी तेजी की गुंजाइश नहीं है। फंडामेंटल्स अगर आप स्पाइसेस के देखेंगे तो जीरा में ये साल रिकॉर्ड प्रोडक्शन आएगा, और रिकॉर्ड प्रोडक्शन के आके ऑलरेडी हमने एक लंबी गिरावट देखी है जीरे के प्राइसेस में। ट्रिगर नहीं है तेजी का नया कोई, सो एटलीस्ट आने वाले 2 महीने तक कोई बड़ी अपसाइड की जगह नहीं है जीरे में। जहाँ तक दूसरे स्पाइसेस की बात है, हल्दी में मुझे थोड़ा बार्गेन बाइंग लग रहा है। हल्दी में मौजूदा स्तर से मैक्सिमम 4 से 5 रुपए की डाउनसाइड आ सकती है, पर इससे ज़्यादा गिरावट हल्दी में नज़र नहीं आ रही है। और कोरिएंडर में भी मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट वर्स्ट इज़ ओवर। सो ब्रॉड एक तेजी का कॉल मेरा टर्मरिक में है, यहाँ से 500 रुपये नीचे टर्मरिक धीरे धीरे अक्यूमुलेट कर सकते हैं आप। जीरा अभी भी तेजी नहीं लग रहा है, और कोरिएंडर अभी भी तेजी नहीं लग रहा है। ओके चलिए, तो ये राय रही है स्पाइसेस पर, लेकिन एक राय ग्वार पैक पर भी ले लेते हैं, जहां पर बहुत टाइट रेंज में कारोबार होते हुए देख रहे हैं हम एक करेक्शन के बाद। रवि, क्या राय है आपकी ग्वार सीड ग्वार गम दोनों पर ही? में प्राइसेस में काफी एक रेंज बाउंड मोमेंटम है, 5250 से 5350 गुआर सीड एंड गुआर गम जो करंट वायदा है वो 10,100 से लेकर 10,400, यही रेंज में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस बने रह सकते हैं। कोई ज्यादा बड़ी अपसाइड या डाउनसाइड की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, हालांकि प्राइसेस में काफी सब्ड्यूडनेस है। एंड क्रूड के प्राइस बढ़े, सेंटिमेंट वाइज बात करें तो हमारा सबसे बड़ा स्प्लिट इंपोर्टर इंडिया से चाइना है, थोड़ा फेस्टिविटी की वजह से चाइना बंद है, एंड यूएस में एंड जहाँ पे यूरोपियन एंड गल्फ नेशंस में जहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पे रेड सी का थोड़ा प्रेशर है, तो एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ी सब्ड्यूड है। तो इस हिसाब से दोनों साइड के फैक्टर है, सप्लाई की डोमेस्टिक काफी किल्लत चल रहे हैं। शॉर्ट टर्म का एक कॉल है, इंट्राडे या 1-2 ट्रेडिंग सेशन में वहां पे एक ऐसे ही कुछ रेंज बाउंड मोमेंटम होगी, और नेक्स्ट वीक तो पूरा एक साइडवेज मोमेंटम के साथ ही ट्रेड करेगा। अगर शॉर्ट टर्म का आउटलुक है तो गुवार सीड में बाय करें आप, 5300 के करीब बाय कर सकते हैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, स्टॉप लॉस लगाए अराउंड 5250 एंड अपर साइड जो टारगेट है वो 5450 के रहेंगे, और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट गुआर गम का है वो भी 10,100 के करीब बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाए 9,880 का, और 10,680 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। हालांकि एक वीक का आउटलुक के साथ आप गुआर सीड गुआर गम दोनों बाइंग पोजिशन में रह सकते हैं।
ठीक है, चलिए तो ये तो रह रही आपके लिए एग्री कमोडिटीज पर स्ट्रैटेजीज की। रुक रहे ब्रेक के लिए, कुणाल शर्मा विद्युर हमारे साथ बने हुए, लौटेंगे तो बात करेंगे नॉन एग्री कमोडिटीज पर, लेंगे वहां ट्रेड्स, से वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और हमारे साथ कुणाल शाह रवि द्वारा बने हुए हैं, और अब बात करते हैं नॉन एग्री कमोडिटीज की। सबसे पहले बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर इंटरनेशनल मार्केट्स में जो ब्रेंट है वो $81 के ऊपर कारोबार कर रहा है, $82 के नजदीक प्राइसेस हमने जाते हुए देखे हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में जो टेंशन हैं वो परसिस्ट होते हुए दिखाई दे रही हैं। हमस ने जो सीज फायर ऑफर किया था वो इसराइल ने रिजेक्ट किया, और उसके बाद कच्चे तेल में ये खरीदारी आते हुए दिखाई दी है। कुणाल, कैसे देखते हैं फिलहाल कच्चे तेल को और क्या रहा है लेवल्स पर? कल 2 से 3 जो बड़ी शिपिंग कंपनीज है उनका भी स्टेटमेंट आया है कि ये जो रेड सी में जो क्राइसिस है वो आने वाले 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू रह सकती है, और वन ऑफ द मेजर रीजन व्हाई ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं दैट इज जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि भूल से भी ये क्राइसिस यहाँ से एस्केलेट हो गई तो ऑयल कैन रियली शूट अप एब्रप्टली। रिमेंबर वी आर डीलिंग इन रेड सी, जहाँ से मेजर ब्रेंट क्रूड का, जिसे आप BFOE कहते हैं, उसका प्रोडक्शन ये रीजन से आता है। तो बहुत सेंसिटिव रीजन है, और ये रीजन में कोई भी अगर क्राइसिस बढ़ती है तो दैट इज रियली स्कैरी फॉर ऑयल। सो जियोपॉलिटिकल का प्रीमियम बिल्ट हुआ है, और ये प्रीमियम जब तक कोई सॉल्यूशन नहीं आता है तब तक बिल्ट होते ही रहेगा। सो मेरी राय में 60-80-70 के आसपास आप लॉन्ग पोजिशन इनिशिएट कर सकते हैं। 6200 का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर में 6400 का टारगेट आ सकता है। ओके, तो प्राइसेस यहां से थोड़ा और ऊपर जा सकते हैं, खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। रवि, नेचुरल गैस पर आपकी राय क्या रहेगी, क्योंकि यहां पर तो वीकनेस और एक्सटेंड होते हुए इन स्तरों से भी और कितना नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी फिलहाल दिख रही है नेचुरल गैस पर? वहां पर कोई ऐसा क्यों नहीं मिल रहा है कि डिमांड का कोई एस्केलेशन है, एंड पर्टिकुलर विंटर सीजन थोड़ा जल्दी मींस के लेट आया था और जल्दी गया है, एंड इतना सर्दियां पड़ नहीं रही, साथ में स्नोफॉल एक्टिविटीज में भी काफी सब्ड्यूडनेस है। हालांकि ये प्राइसेस में करेक्शन काफी आ चुका है, एंड प्राइसेस अपने बॉटम 147 के काफी नजदीक है। अगर कोई गिरावट 150 के करीब आती है तो मेरे हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, अदरवाइज अभी ये लेवल पे शॉर्ट करना भी ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड में फेवरेबल नहीं है। अगर कोई स्टिप गिरावट आती है 150 के करीब मिल जाता है प्राइस, तो आप कॉल ऑप्शन से वहां पे प्ले कर सकते हैं, इधर फ्यूचर 147 से बाय कर सकते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम मुझे लग रहा है 1-2 वीक रुके तो ऊपर एक रिकवरी, बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बट 168 तक प्राइस जा सकते हैं। ओके, सोने चांदी पर भी राय ले लेते हैं। कुणाल को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज यहां पर दिख रही हैं, ऑल द प्राइसेस तो सुस्त ही हैं, टाइट रेंज में ट्रेड हो रहे हैं, बट क्या व्यू है आपका लेवल्स पर? जी देखिए, सिल्वर थोड़ा इंडिकेशन दिखा रही है एक पुल बैक के लिए। गोल्ड सिल्वर में तेजी के लिए फिलहाल बड़ा ट्रिगर मिसिंग है। तेजी के लिए गोल्ड सिल्वर को चाहिए कि आगे जाके फाइनेंशियल कंडीशन रिलैक्स हो या जियो पोलिटिकल एस्केलेशन हो, वो दोनों चीजें अभी फिलहाल नहीं है, इसके कारण बढ़ नहीं पा रहा है गोल्ड। बट सिल्वर मुझे लग रहा है कि यहाँ से 200-300 रुपए नीचे आपको बार्गेन बाइंग करनी चाहिए। सिल्वर फिर से एक बार 71,000-71,300 तक के लेवल दिखा सकती है। ओके, बेस मेटल्स पर अब एक राय लेंगे, जहां पर हमने वापस थोड़ा दबाव आते हुए देखा है। आज भी प्राइसेस देखेंगे तो हल्के प्रेशर में ही दिखाई देंगे, स्पेशली एल्यूमिनियम, लेड, जिंक। अगर कॉपर के लेवल्स देखेंगे तो 712 के नीचे फिसल चुका है और अब 706 पर कर रहा है ट्रेड, तो थोड़ी सी कमजोरी इस पूरे ही पैक में आते हुए दिखाई दी है। कैसे देख रहे हैं रवि पूरे ही पैक को, बेस मेटल्स को और कोई ट्रेड लेंगे क्या? जरूर सर, अब तो चाइना क्लोज हो चुका है, इन पर्टिकुलर 1 वीक के लिए काफी एशियन पीयर्स भी चाइना के साथ क्लोज रहेंगे, चाइना का कोरिलेशन कॉपर जिंक में काफी बड़ा है, तो मुझे लग रहा है कि एक रेंज बाउंड एक्टिविटीज वहां पे देखने को मिलेगी। करेक्शन के बाद शायद टाइम करेक्शन हो ऐसा लग रहा है, इन पर्टिकुलर जिंक में वीकनेस ज्यादा है, फंडामेंटली वहां पे थोड़ा वीकनेस ज्यादा है, तो 210-80-211 के करीब सेल करें, 212-80 के स्टॉप लॉस के साथ डाउन सेट 207 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। हालांकि शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि अगर 10-15 ट्रेडिंग सेशन का आउटलुक हो तो ये लेवल पे एल्यूमिनियम काफी अट्रैक्टिव है, पर्टिकुलर वहां पे फंडामेंटल कंपेरेटिव बेस मेटल पीयर से अच्छा है, काफी करेक्शन दूसरे मेटल्स में आई है, मेटल में काफी अच्छी स्टेबिलिटी है, उसमें शॉर्ट टर्म के लिए बाय करें अराउंड 1898.90, स्टॉप लॉस लगा 195, अपर साइड मुझे लग रहा है कि 210 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ओके,
चलिए, तो ये रह रही आपके लिए बेस मेटल स्ट्रैटेजीज पर और बाकी स्ट्रैटेजीज पर भी बातचीत हुई। शुक्रिया रवि और कुणाल आप दोनों का ही शो में आने के लिए और सभी स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए, थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक, ब्रेक के उस पर देखिए वायदा मार्केट का एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।